गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासरूम ऑफ श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एवरेस्ट में ही शिखर यात्रा इस पाठ के अभ्यास भाग पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। पेज नंबर 32। भाषा अध्ययन। इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। इसमें सम वर्ड्स ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। निहारा है, दस्कना, किसना, सागरमाला, जायसा लेना, नौसिखिया। यू कैन सेलेक्ट दिस वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक सेंटेंस। ओके, टुडे वी विल स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों के उचित विराम चिन्ह, यू ऑलरेडी स्टडीड इन स्मॉल क्लासेस विराम चिन्ह, विराम चिन्ह सिंबल्स। यू कैन लिसन। फर्स्ट वन, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की रहती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने उचित विराम चिन्हों को प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा, फर्स्ट उन्होंने आफ्टर कहा, वन हाइफन एंड देन, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। एंड आफ्टर हाइफन यू कैन पुट दिस वन उद्धरण चिन्ह, हिंदी में उद्धरण चिन्ह करते हैं। क्या तुम भयभीत नहीं? सेकंड क्वेश्चन, क्या आफ्टर किया वन कॉमा देन नेक्स्ट तो भयभीत थी, है क्या तुम भयभीत थी, है यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क है प्रश्न चिन्ह। यू ऑलरेडी स्टडीड है प्रश्न चिन्ह, फुल स्टॉप, उद्धरण चिन्ह, हाइफर, आश्चर्य चिन्ह, इसके बारे में इन स्मॉल क्लासेस यू ऑलरेडी स्टडीड थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तुमने इतनी बड़ी ज्योति क्यों भी पहचानी है? This sentence already in your textbook. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों नहीं बचेंगे? जोखिम means word. What is the meaning of this word? जोखिम, risk. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों नहीं बचेंगे? After जोखिम क्यों नहीं, you can put one comma and बचेंगे. After बचेंगे, you can put one आश्चर्य चिन्ह. सिंबल आश्चर्य चिन्ह। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस शब्दों से वाक्य प्रयोग करें, सेंटेंस मेकिंग है। टेढ़ी मेढ़ी फर्स्ट वन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड है? टेढ़ी मेढ़ी मीन्स बिना किसी व्यवस्था के है, बिना किसी व्यवस्था के। यू कैन मेक वन सेंटेंस विद दिस शब्द, दिस वर्ड है टेढ़ी मेढ़ी। बर्फ की नदी टेढ़ी मेढ़ी थी, बर्फ मीन्स स्नो। देन सेकंड वन, हक्का बक्का है, यू ऑलरेडी स्टडीड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी, वी स्टडीड लास्ट क्लास है। हक्का बक्का मीन्स आश्चर्य होना। देन हक्का बक्का, जिस बच्चे को आया देखकर हक्का बक्का रह गया। देन थर्ड वन, गहरे चौड़े, गहरे मीन्स व्हाट? गहरे मीन्स डीपनेस, चौड़े मीन्स वाइड है, गहरे चौड़े। बर्फ गिरने के कारण धरती पर गहरे चौड़े गड्ढे पड़ गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर उधर, इधर मीन्स हियर, उधर मैं, उधर मीन्स व्हाट? उधर मीन्स देयर, इधर उधर। पर्वत चोटी के इधर उधर ढलाना खींचे, ढलाना मीन्स व्हाट? स्लोप्स है। पर्वत चोटी के इधर उधर ढलाने खींचे। द नेक्स्ट वन, आसपास, आसपास मीनिंग आसपास नियर, पर्वत पर
आसपास कोई पेड़ नहीं थे, पहाड़ के आसपास कोई पेड़ नहीं थे। The next one, लंबे चौड़े। लंबे means long, चौड़े means wide। रास्ते के दोनों ओर लंबे चौड़े पर्वत हैं। पर्वत means mountains। रास्ते के दोनों रास्ते पर रास्ते के दोनों और means दिशा। रास्ते के दोनों ओर लंबे चौड़े पर्वत हैं। Okay, students, I will give no notes for this grammar. Then next one, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बताइए। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द, विलोम शब्द भी ऑलरेडी स्टडीड है। ऑपोजिट ऑलरेडी वन उदाहरण गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, अनुकूल ऑपोजिट प्रतिकूल। इसी तरह अन्य शब्द दिए, नियमित ऑपोजिट अनियमित, विख्यात ऑपोजिट कुख्यात, आरोही अवरोही, निश्चित अनिश्चित, सुंदर असुंदर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लिए जाइए। उपसर्ग प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी ऑलरेडी स्टडी है, जैसे पुत्र उदाहरण, जैसे पुत्र सुपुत्र, वास व्यवस्थित, कुल गति रोहन लक्षित, सब वर्ड्स हैं। वास सुवास निवास, व्यवस्थित सुव्यवस्थित अव्यवस्थित, कुल प्रतिकूल दुगुण अनुकूल, गति प्रगति सत्यति दुर्गति, रोहण आरोहण, रक्षित सुरक्षित अरक्षित। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वन, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रिया विशेषण मीन्स व्हाट? क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जितना उतना, इस क्रिया विशेषण की उदाहरण के लिए क्रिया विशेषण प्रधान के लिए चार प्रकार है। डू नो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जातिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसी के क्रिया विशेषण के बैठ के सुबह तक, कम समय में, कुछ देर बाद, अगले दिन, सब वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन इन ब्रैकेट। यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट क्रिया विशेषण। आप वाक्य को पूर्ति कीजिए अर्थ के अनुसार, सेंटेंस पूर्ति कीजिए अर्थ के अनुसार, सेंटेंस वाक्य पूर्ति कीजिए। मैं देश में कार्य करूंगा, यू कैन रीड दिस वन, मैं देश में कार्य करूंगा। कैन थिंक फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, एंड यू कैन सेलेक्ट मैं देश में कार्य करूंगा। मैं सुबह पर, आंसर सुबह मींस मॉर्निंग। द नेक्स्ट वन, बादल गिरने की देश बाद की वर्षा हो गया। बादल मींस क्लाउड्स, बादल गिरने की, गिरना मींस टू फॉल, बादल गिरने की, आफ्टर बादल मींस क्लाउड्स, डैश व्हिच देयर हियर द करेक्ट वर्ड इज व्हिच देयर बाद की वर्षा हो गई। व्हिच देयर मींस सम टाइम बादल गिरने के व्हिच देयर बाद की वर्षा। So you can select कुछ देर। The next one, उसने बेहुत देश इतनी तरक्की कर ली। उसने बेहुत देश समय में, उसने बेहुत देश समय में इतनी तरक्की कर ली। So you can select कम समय में। आपके क्या आंसर क्रिया विशेषण इस्तेमाल कीजिए। Okay? The next one, मेरे को उसको देश गांव जाना था। जाना था, गांव जाना था। Can think the meaning of this sentence and you can select the correct kriya visheshan adverb from the bracket. Agale din means next day. Students, we have already told kriya visheshan ke bare mein. Kriya visheshan Hindi mein kitne prakar hote hain? Kriya visheshan char prakar hote hain. First one, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकेंड वन, कालवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड वन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब। स्टूडेंट्स, लुक हियर, हियर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित क्रिया विशेषण का उचित प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रिया विशेषण से
वाक्य को पूर्ति कीजिए, अर्थ के अनुसार यू कैन कंप्लीट दिस सेंटेंस। दी क्रिया विशेषण का ऑलरेडी गिवन क्रिया विशेषण है, सुबह का कम समय में कुछ देर बाद अगले दिन है। वाक्य के अर्थ के अनुसार यू कैन सेलेक्ट दी करेक्ट क्रिया विशेषण अंडर फ्रॉम दी ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमने अनेक अंग्रेजी शब्द पढ़ा है। डू रिमेम्बर दैट अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी वर्ड्स बर्मस एवरेस्ट है, सो मेनी वर्ड्स विद इंडिया है, साउथ, सो मेनी वर्ड्स वी स्टडीड है। क्वेश्चन इज इस पार्ट में आने दस अंग्रेजी शब्दों का चयन करना, उनके अर्थ लिखिए। यू कैन राइट इट, यू कैन चयन मींस सेलेक्ट, सेलेक्ट दी दिस इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्द मींस इंग्लिश वर्ड, दिस टेन इंग्लिश वर्ड यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक लेसन एंड व्हाट यू मीन, उनके अर्थ लिखिए, उसके मीनिंग आल्सो यू कैन राइट। ओके फर्स्ट वन बेस कैंप मीनिंग पर्वतारोही दल, दल मींस दल ग्रुप, पर्वतारोही दल जिस भवन या तंबू से अपनी चढ़ाई अभियान का आरंभ करता है उस ग्रुप का नाम बेस कैंप। सेकंड वन एवरेस्ट, हिमालय की एक ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट, यू ऑलरेडी स्टडीड एवरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट किलोमीटर, 1000 मीटर दूरी का फासला भी किलोमीटर, पुल में सेतु। नेक्स्ट ग्लेशियर में बर्फ की नदी, अल्यूमिनियम अंग्रेजी शब्द एक धातु का नाम अल्यूमिनियम। वॉकी टॉकी एक बेहतर का संचार यंत्र जिसके द्वारा चलते चलते बात की जा सकती है, जिसका जिस यंत्र के द्वारा हमें क्या पता चलते है, संचार यंत्र जिसके द्वारा चलते चलते बात की जा सकती है। साउथ दक्षिण दिशा एक्सप्रेस बहुत तीव्र गति, स्ट्रेचर रोगी या घायल को लाकर ले जाने का उपकरण स्ट्रेचर। देन कुकिंग गैस खाना पकाने की गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन गैस से भरे हुआ बेलनाकार पात्र, थर्मस पेय पदार्थ को गर्म रखने का बर्तन फ्लास्क थर्मस किट, सभी आवश्यक सामानों से बनी पॉटले बैग या फाइल। देन नाइलॉन है, नाइलॉन के बारे में भी हमें सीखा है, नाइलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रत्न। ओके स्टूडेंट्स, your notes and test paper attached with this video, all of you study very well. Dhanyawad.